राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा, ऐसा कभी खत्म ही नहीं होता था अंधेरा। उस जमाने में उन्होंने जाति पाति पे, धर्म पे इतने बड़े कटाक्ष किए, इतनी हिम्मत दिखाई, जिसकी जो हम आज तक उन्हें याद करते हैं। ऐसे संतों को भी हम नमन करना चाहते हैं। ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले को भी हम नमन करते हैं, जिन्होंने 1840 में, जब शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, उस समय उन्होंने स्कूल खोले और इस समाज के लोगों को और महिलाओं को शिक्षा देने का प्रयास किया। हम उनको भी आज नमन करते हैं। ऐसे महापुरुषों की वजह से हम सब लोग शिक्षित हुए और यहाँ तक पहुँचे। हमारे सोल्जर माता दीन साहब को भी नमन करते हैं, जिन्होंने 1857 में मंगल पांडे से एक लोहा लिया और जिसकी वजह से एक वो रूम में रहने की वजह से ये लड़ाई शुरू हुई थी। आप लोगों को इसमें इतिहास में जाके देखेंगे तो पता लगेगा 1857 की गदर 31 मई से होने वाली थी, जो 10 मई से ही शुरू हो गई, जो और उसका फेलियर का कारण भी यही बना, क्योंकि वो रूम में रखने से उन्होंने मना कर दिया था और आपस में लड़ाई हुई। मैं उनको भी नमन करता हूँ। संत गाडगे साहब को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने अमरावती और पंढरपुर में इतना बड़ा आंदोलन, सामाजिक आंदोलन चलाया हुआ था कि पूरे देश भर में उसकी एक बड़ी धमक थी। मैं पेरियार रामास्वामी नायकर साहब को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने तमिलनाडु में, कर्नाटका में अंधविश्वास के खिलाफ, अंधश्रद्धा के खिलाफ और कास्ट के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। आज भी साउथ इंडिया में लोग उनसे पनप नहीं पाए। मैं नारायण स्वामी साहब का, जिनका केरल में इतना बड़ा आंदोलन था, जिसको हम आज भी याद करते हैं, नमन करते हैं। सावल दास साहब, अछूतानंद साहब का एक ऐसा बड़ा कानपुर में और बनारस में था, जो बताते हैं उस जमाने में 24 घोड़ों की बग्घी में चला करते थे, उनकी इतनी बड़ी रियासत, इतना बड़ा काम था। हमारे बाबा साहब, जिनको हम लिबरेटर मानते हैं, मसीहा मानते हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। कहते हैं, एक कहावत है कि क्रिश्चियनिटी में पोप किसी के ऊपर भी हाथ रख देते हैं, रख देते थे या रख देते हैं अभी भी, तो उसके जितने भी कष्ट या बीमारी, टीवी प्रॉब्लम जो भी होती थी, सब दूर हो जाती है। हमारे बाबा साहब तो ऐसे थे, जिन्होंने हाथ रखना तो छोड़ो, उन्होंने देखा भी नहीं था लोगों को, छूना तो बहुत दूर की बात है, बिना देखे ही हमारे देश के करोड़ों, तकरीबन 30 करोड़ लोगों को एक उत्थान किया, बिना टच किए, बिना देखे ही उन ऐसे मसीहा को। हम आज हमारे माननीय काशीराम साहब को भी नमन करते हैं, जिन्होंने हमें सत्ता कैसे हासिल की जाए, कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए, कैसे प्लानिंग किया और सत्ता को हासिल करके दिखाया। वो कहा करते थे, मैं तो अपना इस बस तैयार करके, खड़ी करके रखा हूँ और बार बार उसमें एक्सीलेटर लगाता हूँ, तो वो लोग उस पर चढ़ते ही नहीं। एक बार मैंने थोड़ा सा चलाया, लोगों को लगा नहीं ये भी चल सकती है, फिर दोबारा एक और एक्सीलेटर लगाया और लोग चढ़ने लगे, तो हमने फिर इसको एक बार ऐसा एक्सीलेटर लगाया कि 5 साल तक चला के दिखा दिया, लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि सत्ता हम हासिल कर सकते हैं। ऐसे मसीहा को भी हम नमन करते हैं। हम बहन मायावती को भी नमन करते हैं, जिन्होंने पूरे देश भर में एक समाज का झंडा बुलंद किया हुआ है और जो अपनी बात को लेकर के, माननीय कांशीराम की बात को लेकर के, बाबा साहब के विचारों को लेकर के पूरे देश भर में एक अलग आवाज है। आप सब लोगों ने के बीच में मैं एक इंटेलेक्चुअल हूँ, एकेडमिशियन हूँ, तो मैं अपनी बात जरूर पॉइंट वाइज रखना चाहूँगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा और प्रवचन देने के बजाय काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इधर भी थोड़ा सा आप सब लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहूँगा। देखिए,
ये सक्सेस, ये फेल्योर और ये स्ट्रगल आज का नहीं है। ये 480 BC में भगवान बुद्ध के टाइम से चला आ रहा स्ट्रगल है और काउंटर वर्सेस चलते रहते हैं एक दूसरे को। आज भी स्ट्रगल चल रहा है, आज हम कोई बहुत तीर मार रहे हैं ऐसा भी नहीं है। आप देखिए 1819 हर हमेशा कंटेम्पोररी स्ट्रगल रहा है। ये बाबा साहब की विचारधारा वर्सेस अदर्स विचारधारा के बीच में स्ट्रगल हमेशा से रहा है और हमारे लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहे हैं। आज हम कुछ नया कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। दलित आंदोलन आपने 2 अप्रैल को देखा, एक छोटा सा नमूना जरूर सामने आया, नहीं तो इसके पहले पिछले 1927 में जो आप ध्यान करेंगे तो बाबा साहब ने उस समय मनुस्मृति जलाई थी। संत गाडगे ने उस समय तहलका मचाया हुआ था अमरावती में, श्यामल दास ने, अछूतानंद ने कानपुर और बनारस में इतना बड़ा तहलका मचाया हुआ था, पेरियार रामा स्वामी नायकर ने तमिलनाडु में आंदोलन खड़ा किया हुआ था, बाबू जगजीवन राम उस समय BSc में पढ़ने गए थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने 1928 में 50,000 श्रमिकों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। उसको देख करके सुभाष चंद्र बोस उस कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गए थे बाबू जगजीवन राम से मिलने के लिए कि ये कौन लड़का आया है जिसने इतना बड़ा काम किया। ये आंदोलन को जब पूरे देश में एक आग भड़की जिसे आज की तारीख में आप दलित बोलते हैं, उनका बहुत बड़ा आंदोलन हुआ देश में, उसी को ध्यान में रखते हुए साइमन कमीशन इंडिया में लाया गया। साइमन कमीशन इसी बात की स्टडी करने आया था कि इनके साथ में जो डाउन प्रोडेंस है, इनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, कौन कम्युनिटी है क्या है। उसी का ये रिजल्ट हुआ जो 1931 में जो कास्ट बेस जनगणना हुई, जिसे हमें पता चला कि कौन कितनी किस कास्ट के लोग हैं, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें बाबा साहब शामिल हुए, इन सब का ही रिजल्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही रिजर्वेशन का प्रोविजन है। ये रिजर्वेशन कोई इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से नहीं है, ये 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही है। और उस के प्रोविजन की वजह से 1937 में बाबा साहब ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनाई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, 175 सीटों में 15 सीटें शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए रिजर्व थी। उन 15 और प्लस 2 बाबा साहब की स्वतंत्र मजदूर पार्टी 17 सीटों पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1937 में जीती थी। वो दैट वाज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, जो कंट्री में पहला एक लेजिस्लेटिव या पहला आप कह सकते हैं पॉलिटिकल सक्सेस हुआ था। वो बाबा साहब को अपोजिशन के लीडर बने उस समय कांग्रेस के अगेंस्ट में थे, उसी से प्रभावित होकर के ब्रिटिशर्स ने बाबा साहब को डिफरेंट जब भी वायसराय की बनी गवर्नमेंट उसमें उनको एज ए मिनिस्टर मेंबर बना के रखा। जो बाबा साहब को मौका मिला अपॉर्चुनिटीज को, जिस जो हमारे सामने आज अचीवमेंट दिखाई देते हैं, चाहे वो लेबर वेलफेयर के हों, इरीगेशन के हों, जो भी सोशल सेक्टर के हों, एनर्जी के हों, इलेक्ट्रिसिटी के हों, वो सारे के सारे अचीवमेंट उनको उन्हें मौका मिला और उसको उन्होंने कर दिखाया। ये जो आज हम संविधान की बात करते हैं, ये बाबा साहब को कोई पहली बार या ऐसे दान में दिया हुआ मौका नहीं है। किसी बड़े पॉलिटिशियन ने, जिसके लिए आजकल बहुत लंबी लंबी बनाई जा रही हैं मूर्तियां, उसने कहा था मैंने इनकी खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए हैं। लेकिन शुक्र है हमारे भी लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी कुर्सी त्याग दी और बाबा साहब को आगे किया कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो। अनफॉर्चुनेट पार्ट देखिए कि उस क्षेत्र को बांग्लादेश में कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो रहे और संविधान उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जीत के आए। पहली कमेटी 1928 में बनी थी, मोतीलाल नेहरू उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के। वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट भी किया, दैट वाज रिजेक्टेड। सेकंड कमेटी बनाई गई 1945 में सर तेज बहादुर सप्रू कमेटी कही जाती है, उन्होंने भी ड्राफ्टिंग किया बट वो भी रिजेक्ट हुई। ये थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, जो कमेटी जिसकी जो ड्राफ्ट को सरकार ने एक्सेप्ट किया, सिस्टम ने एक्सेप्ट किया। तो कोई ऐसा नहीं कि झटके में उनको दे दिया गया, बाकी लोग नहीं कर पाए उस काम को, वो बाबा साहब ने करके दिखाया।